एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की बनाते हैं एक न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे अफगानी मशरूम। चलिए फिर अफगानी मशरूम बनाने की करते हैं तैयारी। तो मशरूम को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए मशरूम, ये हमने चॉप कर लिए हैं। इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी हींग, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये हरे धने की डंडियां हैं, ये डाल देंगे हम मैरिनेशन में। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इतना हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तड़के में हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन अदरक और धनिया। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, और साथ ही धनिया। इन सबको हम हल्का से सौते करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको कम ही भूनेंगे क्योंकि हम अफगानी मशरूम बना रहे हैं, इसलिए इसकी ग्रेवी को हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसे ठंडा कर पेस्ट बना लेंगे। ये फ्रेंड्स मशरूम की डंडियां हैं, इसको हम मसाले के साथ ही भून लेंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमारी ग्रेवी पीस चुकी है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। ये 2 बड़े चम्मच इसमें हम दही डाल देंगे। थोड़ा और पाउडर डाल दूं? ये गया दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, जितना आपको चाहिए। थोड़ा देख के डाल दे क्योंकि हम मशरूम में भी नमक डाल चुके हैं। गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अफगानी मशरूम में ये लाल मिर्च जाएगी 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमारी ग्रेवी है, ये मशरूम है। अब मशरूम को थोड़ा तेल में हम सौटे कर लेंगे। इसी पैन में हम थोड़ा तेल डाल के मशरूम को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें तेल इसलिए कम डाला क्योंकि मशरूम में भी हमारे तेल है। तो अभी ये जाएगा इसे पैन में। मशरूम को हल्का ही फ्राई करेंगे जब। अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो मशरूम को हमने हल्का फ्राई कर लिया है। अगर हम इसे निकाल लेंगे उसी बर्तन में। तो अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डालेंगे और तेल कम ही डालेंगे। तो ये हमने थोड़ा तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें
दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, साथ ही हम ये ग्रेवी डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार है, और इसमें कोई काजू का पेस्ट नहीं, मिर्ची का पेस्ट नहीं, ये सिर्फ प्याज का पेस्ट है। तो ग्रेवी हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे और इसमें फिर मशरूम डाल देंगे। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है, अब हम इसमें मशरूम डाल देंगे। अब मशरूम डाल के हम फिर 10 मिनट इसको पकाएंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ये हमारे अफगानी मशरूम बनकर तैयार है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अभी टेस्ट करेंगे। अभी हम इसे वो सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे अफगानी मशरूम बनकर तैयार है, आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।